हम जो है लखनऊ में पहुंचे हैं। लखनऊ में आज बहन मायावती का एक कार्यक्रम था, विचार संगोष्ठी जय परशुराम जय भीम करके। हम आप बात करेंगे, हमारे साथ में बहुत लोग उपस्थित हैं ब्राह्मण समाज से। आपको क्या लगता है बहन जी, अभी जो विचार संगोष्ठी की हैं उस पर क्या विचार है आपका? वो 100% सफल है और लगता है कि मिशन जो है आगे बढ़ रहा है, वह 2022 में सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या लगता है आपको कितने सीटों पर आप लोग विजय करेंगे? हमें आशा है, पूर्ण बहुमत है, ये मान के चलिए 250 से ऊपर जा सकती है सीट। जो अभी विचार संगोष्ठी हुआ उस पर आपकी क्या राय है? जी राय यही है कि सर्व समाज बहन जी के साथ है और 2022 में पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी, तभी उत्तर प्रदेश की जनता और खुशहाल और मस्त तरीके से विकास हुआ, सब लोग खुशी रहेंगे। आपको क्या मिला सीखने को अभी बहन जी से? हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, पांचवीं बार बसपा सरकार, हम लोग 300+ सीटों पर आएंगे। अच्छा अच्छा, पूरे प्रदेश में जी। अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो यह कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम पर बात करेंगे, क्या बोलना? 90% ब्राह्मण जो है बहन जी के साथ हैं और ज़्यादातर जो है बहन जी की सीट आएंगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। बहुजन समाज पार्टी ने किसान के गन्ने की बात हो, पिछले 10 साल से कोई भी पार्टी ने गन्ना का रेट नहीं बढ़ाया। किसान लगातार जो है आंदोलन कर रहा है, कल मुजफ्फरनगर में आंदोलन भी कोई उससे नहीं फर्क पड़ रहा है। किसान जो है जंगल में काम कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले सुन नहीं रहे, क्यों सुनेंगे? वो बहन जी की सरकार आएगी तो सुनाई होगी और ज़रूर सुनाई होगी। किसान का सबसे ज़्यादा ध्यान बहन जी बहुजन समाज पार्टी मुख्यमंत्री रखती है। जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं, सर्व समाज लग चुका है बहन जी को पांचवी बार सरकार बनाने में। भाजपा गवर्नमेंट में कानून राज है नहीं और ब्राह्मण समाज पूरा मन बना लिया है कि इस बार 2022 के चुनाव में बहुजन समाज के पार्टी के साथ साथ जय परशुराम का नारा दीजिएगा और 2022 में बसपा की गवर्नमेंट बनेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार ब्राह्मण समाज अपनी पूरी ताकत दिखाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएगा। अच्छा, क्या लगता है जो अपनी बहुजन समाज पार्टी है कितने सीटों पर जीत करेगी? बहुजन समाज इस बार जो है 200 से ऊपर सीटों पर जीतेगी, हमारी फुल प्रेस की सरकार बनेगी। अभी जो है बहन मायावती जी ने जो विचार संगोष्ठी किया है सर्व समाज को लेकर, क्या लगता है आपको आगे 2022 में विधानसभा आगामी चुनाव में क्या सरकार बन सकती है? बहन सरकार बन सकती है। कितने सीटों पर? 350 सीटों के लगभग बहुजन समाज पार्टी के स्पष्ट नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। यह बात मान लीजिए, मैं जगदीश प्रसाद जगत शास्त्री खिलाड़ी कवि लेखक अधिवक्ता पत्रकार कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का और सन 1984 से इस कार्यक्रम में लगा हूँ, कभी कोई पद वद नहीं लिया हूँ, इसलिए निष्ठा से बोल रहा हूँ, समर्पण की भावना से बोल रहा हूँ, इस बात को बड़े आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि बहन जी की प्रचंड बहुमत की सरकार 2022 में बनने जा रही है। और जो सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, आम जनता से गठबंधन हो गया है, मत किसी पार्टी की जरूरत नहीं, आम जनमानस गठबंधित हो चुका है बहन जी के लिए। 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। जिस तरह से देखा जाए तो चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? चंद्रशेखर जी तो अपने ही परिवार के एक अंग हैं जो अपने अस्तित्व को उजागर करने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के बाहर नहीं जा सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं और कल्याण नहीं है, इस बात को निश्चित जानिए। वो सब अपने लोग हैं, वो सब बहुजन समाज पार्टी के साथ निश्चित हैं, समर्पित हैं, उनमें कोई दो राय नहीं। 3-5 करने वाले जो दूसरी पार्टी है वो लगाती होंगी। अभी लगातार जो है कल के धरने के बाद सोशल मीडिया पे पढ़ने को मिला कि चंद्रशेखर के पीछे किसी का हाथ है, किसी पार्टी का। जी आपको मिला, आप तो मीडिया के लोग हैं, सब जानते हैं कि छोटा सा छोटी सी चिंगारी लगाने के लिए किसी को शासी दे दिया जाता है। ये तो बहुजन समाज पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के बिजनेस विभेद पैदा करने के लिए तमाम सियासतें होती रही हैं और समय समय पर उस पर जवाब जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ आँख मटक्का करता है वो गली गली घूर छानता है, फिर उसको कोई जगह नहीं मिलती। तमाम लोगों का आपने हसर देखा है। जिस तरह से देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या वो आपके पार्टी का वोट काट सकते हैं? कौन? चंद्रशेखर जी? नहीं नहीं, वो तो हमारी पार्टी के ही वोट कराएंगे, पार्टी का वोट नहीं करने वाले। मैंने बताया कि आम जनमानस आम मतदाता बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति और कामयाबी से जुड़ चुका है, बहन जी पर भरोसा है, इसलिए बहन जी को प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में ला रहे हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और ये मीडिया के लोग ये एग्जिट पोल कर रहे हैं इधर उधर, ये पैसे और चुटलम के चलते हैं, ये कभी सही नहीं होता। कब देखिए 2007 में कहाँ दिखा रहे थे सही ढंग से। हमारे साथ में पूर्व विधायक भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी को किस नज़र से देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो पूर्व में कार्य किया है उसके हिसाब से पूरे
प्रदेश की जनता, हर वर्ग के, हर पार्टी के लोग, और भाजपा से संतुष्ट लोग ज़्यादा मात्रा में बसपा के साथ आ रहे, इसे बहुमत से ज़्यादा सरकार बने। अभी अभी सुनने को मिला अगर पांचवी बार सरकार आती है तो स्मारक और जिसे पार्क हुआ बाबा साहब का, ये छोड़कर उत्तर प्रदेश का दिशा बदला जाएगा, मायावती जी ने कहा, उस पर क्या राय? सही कहा, ऐसा है ना कि वो नेता हैं, उनके जो विचार सर्वोपरि हैं, जो कहते हैं उसमें हम लोग भी सहमत रहेंगे। मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं बुंदेलखंड के बांदा जनपद से आया हुआ हूँ, मेरा नाम सुरेश तिवारी है, प्रबुद्ध वर्ग से हूँ। माननीय बहन जी के द्वारा आज इस प्रबुद्ध वर्ग के समापन संगोष्ठी में जो माननीय बहन जी के द्वारा संबोधित किया गया है, उन्होंने आने वाले समय में 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बहन जी की बनती है, हमें ये आशा और उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा भी बड़े बड़े वोटों में लगा रही 350 पार करेगी। जी जी जी, ये जुमलेबाज सरकार है, लोग इसके बहकावे में आकर एक बार जो गलती उन्होंने की है 2017 में, पुनः हम भी पूरे उत्तर प्रदेश में गए हैं, दोबारा ये गलती लोग दोहराना नहीं चाहते। आने वाले 2022 में हमको ये आशा और उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी 300 प्लस करेगी और पूरे उत्तर प्रदेश के समूचे कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा, और 2022 के चुनाव के जो परिणाम आएंगे तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की पांचवीं बार मुख्यमंत्री होंगी, और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की नीतियों पर हमको ये पूरा विश्वास है कि कार्य भी करेंगी, और सभी जाति और वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगी, वह इस प्रदेश का समग्र विकास एक बार पुनः बहन जी के हाथों में होगा और वो करेंगी भी। मैं ब्रजेश शर्मा बांदा से बुंदेलखंड से। जिस तरह से बहन जी सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है आपको कितने सीटों से जीत होगी? 350 सीटों से।